अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चलें आज बनाते हैं सिंगापुरियन राइस। उसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिए। इसके अंदर पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 200 ग्राम है तो इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा हॉट सॉस, 1 चमचा करके मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। ये रखा। अब दूसरी तरफ ऑयल गरम करके मैं चिकन को पहले चढ़ाऊंगी और उसको गलने के लिए रख देंगे। इसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं सिंगापुरियन राइस में, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे पूरी रेसिपी को। नंबर 1 स्टेप में मैंने चिकन को मैरिनेट किया। उसके बाद पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया, 2-3 जवे लहसुन के लेके इसे काट लिया, इसको सौते करेंगे। इसको सौते करने के बाद ये मैरिनेट की हुई चिकन इसमें डाल के और गलाएंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, बस थोड़ा सा सौते हो जाए। तो हम इसके अंदर ये मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। ये थोड़ा सा इसको भून दिया। अब इस स्टेज पे मैं इस पर 1/2 टीस्पून किसी भी काली मिर्च डालूंगी। इसको थोड़ा सा भूना, उसके बाद थोड़ा सा पानी, 1/2 कप से भी कम ये पानी डाल के और फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको ढककर ये मैं पकाऊंगी 5 से 7 मिनट तक। इसको पकाऊंगी चिकन गल जाए, फिर उसके बाद हम ये बॉईल करेंगे। ये स्पैगेटी है, स्पैगेटी बॉईल होंगी, सब्जियां कटेंगी, ठीक है। ये स्टेप स्टेप बताती जाऊंगी। सबसे नंबर 1 में हमने कर लिया चिकन तैयार, उसके बाद स्पैगेटी बॉयल करूंगी। वो तो गर्म पानी में 1 टीस्पून ऑयल डाल के और नमक डाल के इसको बॉयल कर लूंगी। ये सारी सब्जियां हैं, कैबिज है, ये है कैप्सिकम है, इनको काटूंगी। ये सारा मैं आपको बताऊंगी। ये तो मैं बॉयल करके रखती हूँ। अब एक स्टेप ये हो गया, एक ये स्टेप हो गया। चले अब चलते हैं, इसका सॉस तैयार करते हैं। ये देखें चिकन जो है वो इस तरह भून गई है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस। केचप भी डाल सकती हैं जिनको केचप हमारे यहाँ जो ना वो कहते हैं मीठा आता है, इसलिए मैं केचप यूज़ नहीं करती। लेकिन इस जगह आप आधा केचप और आधा चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकती हैं। ये डाला, इसके बाद इसको थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के इसको इस तरह पतला किया और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1/2 टीस्पून शहद डाला।
इसमें एक बॉयल आने देंगे। ये इसमें बॉयल आने लगा तो मैंने 1/4 पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर घोल के इसको ज़्यादा थिक करूँगी। ये अब हम चिली ये सिंगापुरियन राइस का सॉस तैयार करते हैं। इसमें लेंगे हम 1 कप मायोनीस, 1 टेबल स्पून थोड़ा सा और ले लेते हैं सिरका, और 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। ये अंदाजे से मैं डाल रही हूँ, 3 टेबल स्पून लेना है गार्लिक सॉस। इसको मिक्स करेंगे। चिली गार्लिक सॉस लेने से ये होता है कि फिर हमें ना लहसुन और कुटी हुई मिर्च नहीं मिलानी पड़ती इसके अंदर, और वरना तो अगर हम केचप लेंगे तो उसके अंदर फिर हमें लहसुन भी कूट के शामिल करना पड़ेगा और कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करनी पड़ेगी। इसमें लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च, ये लाल मिर्च शामिल होती है। इसका कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, ये कुटी हुई ये चिली गार्लिक सॉस में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और डालूँगी। ये थिक है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा इस कंसिस्टेंसी में लेके आना है कि इसको हम चावलों पे ड्रॉप करें, ड्रिजल करेंगे ना जब मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसका सॉस तैयार हो गया। कितनी चीज़ें तैयार हो गई, चिकन जो है वो गलने के लिए रख दी, अभी इसको भून लेंगे, चिकन तैयार हो जाएगी। स्पैगेटी मैंने आपको दिखा दिया बॉईल करके, वो रख लेंगे। इसका सॉस तैयार हो गया। अब मैं तैयार करती हूँ लहसुन। लहसुन को चॉप करके उसको फ्राई, उसको और हरी मिर्च को फ्राई करके रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब सिखाती जाती हूँ, सारी चीज़ें लाइन से तैयार करते जाएंगे, बस फिर सिर्फ डिश में इसको सिंगापुरियन राइस को असेंबल करना होगा लेयर बाय लेयर। ठीक है, चलें अब मैं लहसुन काटती हूँ, फिर लहसुन चॉप करूँगी, हरी मिर्च चॉप करूँ वो फ्राई, लहसुन चॉप करके वो फ्राई होगा, उसके साथ हरी मिर्च फ्राई होगी, फिर मैं आपसे आपको दिखाती हूँ। ये अब लहसुन और ये हरी मिर्च को लंबा लंबा काट लिया है, लहसुन को बारीक काट लिया है, इसको फ्राई करेंगे। ये जिस ऑयल में मैंने लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई करके निकाला था उसी ऑयल में मैं अब सब्जियां डालूंगी। ये लहसुन और हरी मिर्च फ्राई हो गई, ये हटा दिया। अब उसी ऑयल में मैं सारी सब्जियां डालूंगी, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। इनको हल्का सा बस थोड़ा सा ग्रीस देने के लिए, शाइनिंग देने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब जितनी ये सब्जियां हैं उसी लिहाज से मैं इन पे हल्का सा नमक डालूंगी, हल्का सा नमक बस, और थोड़ा सा सोया सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही सिरका, 1 टेबल स्पून हल्का सा ताकि ये क्रिस्पी रहे।
और ये जो हमने चिकन का बनाया था बैटर, मैंजोनी जो कह रहे हैं या चिकन के लिए इसके ऊपर सिंगापुरी रेसिपी चिकन का जो बनाया था आपके सामने, उसको इन सब्जियों के उसमें मिला देंगे। अब ये फिक्स हो जाएगा सारी सब्जियों के साथ। सब्जियां भी क्रिस्पी रहेंगी। अब ये डलेगा चिकन के ऊपर। चले व्यूअर्स, अब सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब हम चावल को, इसका राइस तैयार करते हैं। इसमें राइस के लिए मैंने बस आधी छोटी सी प्याज की भी आधी थोड़ी सी मैंने प्याज ली है, और इसमें थोड़ा सा लहसुन जो काटा था ना मैंने फ्राई करने के लिए उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था, इससे ये मैं राइस चढ़ाने जा रही हूँ। और 1 टेबल स्पून जीरा। इसमें सिंगापुरियन राइस में सादा राइस भी बनता है, बिल्कुल बॉयल राइस, लेकिन ये कि मुझे नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है थोड़ा सा लहसुन के फ्लेवर वाला। तो लिहाजा मैं जब सिंगापुरियन राइस बनाती हूँ तो मैं इस तरह बनाती हूँ। आप लोग मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सादा राइस के साथ सिंगापुरियन राइस ज़्यादा अच्छा बनता है या ये वाले राइस के साथ। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। आप इसमें राइस डालेंगे, ये बासमती राइस है, ये मैंने आधा घंटा भिगो दिया था पहले इनको। और ये इस तरह इसमें पानी डालना है जैसे पुलाव के लिए रखते हैं ना हम, कि पुलाव में इतना पानी डालते हैं कि चावल भी गल जाए और उसका मतलब खिले खिले भी हों और गल भी जाए और पानी उसमें सूख जाए, तो इतना अंदाज़ा। बिल्कुल चावल का एक एक दाना जो है ना इसमें से प्याले में से झाड़ ले, ज़ाया कुछ नहीं करना चाहिए। अब इसको चला के देखें। मैंने आप लोग को एक अंदाज़ा बताया था ना, 1 कप 2 कप के बजाय, कि ये चावल है, इस चावल के ये जो उंगली का ये जो टच है ये जाके चावल पे लगे तो पानी इतना ऊपर होना चाहिए। पहले चावल का अंदाज़ा कर ले, इसलिए कि इसमें अभी पानी डला है तो इसमें हम फिंगर को डिप कर सकते हैं, पानी तेज गर्म हो जाएगा तो फिर हम फिंगर डिप नहीं कर सकते, लिहाजा पानी का अंदाज़ा पहले कर लो फिर नमक डाल लो। अब इसमें इतने जितने राइस हैं उसके लिहाज से मैं इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला, उसको थोड़ा सा चलाया और इसका नमक चख लिया चावलों का। ये देखिए ये चावल मैंने दम पे रख दिया, निकाल दिया, कितने खिले खिले चावल हैं। और इनका टेस्ट भी सादे चावल के मुकाबले में ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये ऐसे अगर आप सादे भी खाएं ना चावल, तो फिर आपको ये दाल चावल के साथ बच जाएं। अगर आप इनको ऐसे किसी सालन के साथ या दाल के साथ खाना चाहें भी तो खा सकते हैं, इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है। फिर अब मैं इसको असेंबल करने जा रही हूँ। ये सबसे पहले राइस निकालेंगे, फिर इसके ऊपर ये सॉस डलेगा, अब इसके ऊपर चिकन, ये देखें सारी चिकन है, ये डलेगी, सब्जियां गल भी गई हैं और क्रिस्पी भी हैं, क्रंची हैं खाने में, उसमें से आवाज़ आती है यानी कि क्रंच पन की। इसके ऊपर डलेंगे नूडल्स, देखें ये इसी तरह नूडल्स अच्छे लगते हैं लंबे लंबे, इसलिए मैं कहती हूँ इनको बॉयल करते वक्त तोड़िएगा नहीं। इसके ऊपर फिर थोड़े से
सॉस, और फिर ये मैंने जो लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई करके रखा था ये डल जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा वापस चिकन डल जाएगा, जितनी बची है वो इसके ऊपर दोबारा डाल दीजिएगा। ये है इसका असेंबल। मेरी रेसिपी से आप लोग बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ऐसे राइस ज़्यादा पसंद है या वाइट वाले सादे राइस, ठीक है। और ये खा के बताइएगा कि ये कैसे लगे। बस अब ये सर्विंग के लिए तैयार है सिंगापुरियन राइस। पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।